जय जिनेंद्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों आज बजट का दिन है, अभी 10:52 हुई है, तो पहले मार्केट देख लेते हैं हम लोग। अभी चल रहा है 10872 स्पॉट, यानी कि 838 को तोड़ दिया। और आइचर मोटर पर पहले देख लीजिए आप लोग, ये आइचर मोटर कल 18800 था, कल आपको याद होगा सबको। और मैंने क्या बोला था आप लोग को याद है कि 1 फरवरी से सारे मोटर स्टॉक भागेंगे, आपको याद होगा, क्योंकि 31 जनवरी का डाटा आता है 1 फरवरी को। ये कम से कम पिछले 10 वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, कितने वीडियो में, 10 वीडियो में, कि 1 फरवरी के बाद इनको देखिएगा, चाहे मारुति हो चाहे आचर हो। तो आज मारुति भी देख लीजिए आप लोग कितना प्लस है, 200 रुपया प्लस है, 6930 जाके है। ये आचर 19800, कल 18800 था, आप लोग चेक कर सकते हैं। और चलिए पुराना एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आपको पहले, ये देखिए, ये मेरे ख्याल में 2 दिन पहले का वीडियो है, 2 दिन पहले का, यानी कि 30 तारीख का वीडियो है, आपको सुनाता हूँ इसका पहले। इसमें आइचर के बारे में जिस दिन 8 मिनट हुई थी, ये कब का वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये 29 तारीख का वीडियो, यस 29 तारीख का, 29 तारीख का जिस दिन निफ्टी हुआ, मेरा टारगेट अचीव हुआ था इंट्राडे वाला, इंट्राडे मैंने 695 किसी ने लिखा, उसके बाद 675, उसके बाद, और उसके बाद मैंने ये लिखा है कि आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट, ये भी 3:30 के पहले लिख दिया था, 3:24 को लिख दिया कि, तो यही है बस दोस्तों, यही आज का है। और मेरा एक जरूर आइचर मोटर ने आज स्टॉप लॉस किया है 19950 का, कोई बैड न्यूज होगी उसमें, वरना इतने दिन वो 20,000 के ऊपर ही टिका हुआ था, मैंने 19970 पे बाई दिया था, बहुत ध्यान से सुनिए, वो एक गलत किया। बाकी आज सारे मोटर स्टॉक चले ही हैं उल्टा, चाहे देख लीजिए, मैंने टाटा मोटर्स भी आज ऊपर ही गया, मारुति भी ऊपर गया, और हीरो मोटर भी ऊपर गया, खाली एक आइचर मोटर में स्टॉप लॉस 19450 का था, तो उसके बाद तो और काफी गिरा, सुनिएगा, स्टॉप लॉस का यही फायदा होता है, तो इसमें मैं हाथ तभी डालूंगा जब ये 19450 के ऊपर। लेकिन पर्सनली मैंने 25 से डिलीवरी लिया है आज, 19162 पे, बट डिलीवरी लिया है, उसको मैं 6 महीने रखूंगा जब तक कि ये 24,000 नहीं है। सो बट इसमें वीकनेस दिख रही है चार्ट में भी, सो थैंक्स अ लॉट, ये अपडेट दे दिया मैंने, तो मैंने क्या बोला, और ये कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि आज मार्केट पॉजिटिव बंद किया, 19,452 पे मैंने डिलीवरी लिया है, और अभी तक रखा हुआ है, देख लीजिए 19,800 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप लोग देखिए आज के पोस्ट, जो पोस्ट आज के, वो आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आप लोग को भी कुछ पता चल जाए। ये टाइमलाइन पे ही है, कहीं और नहीं है। अरे यार, ये मैसेज से मैं परेशान हूँ, हाय हेलो से। देखिए ये आज का पोस्ट है, आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है, तो थोड़ा सा मैं उसमें भी ज़्यादा बिजी हूँ। और नाउ इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मार्केट्स टू होल्ड 678, पहला मैसेज, ये कितने बजे का है, 9:54, टू होल्ड 678 यस्टरडेज लो, एंड वी कैन होप दैट इट डज नॉट गेट ब्रीच्ड एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग डेज, एंड अपसाइड टारगेट इन नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग डेज इज 11,077 और इवन मोर, बट बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी शुड बी अप्लाइड and stop loss strictly should be maintained of 10599 to be safe or below 678 closing basis. इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद का मैसेज है ये वाला, ये 39:10:17 पे डाला हुआ, इफ़ एट एनी टाइम मार्केट इतना आ जाता है 10,700 से 750 स्पॉट आ जाता है, तो आप लोग बाई करके खेलिए, और ये स्टॉप लॉस है, ये भी आपको दिख लिया। और उसके बाद ये डाला अभी 19 मिनट पहले, होप एवरी वन रिमेंबर्स आई वॉज कंसिस्टेंटली राइटिंग मोटर स्टॉक्स विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम 1 फरवरी। इसका कारण मैं बार बार बोला हूँ वीडियो में कि 31 जनवरी तक ये नहीं बढ़ेंगे, और 1 फरवरी को इनको 31 जनवरी की सेल का डाटा आता है, रेवेन्यू का, ठीक है, सेल्स का डाटा आता है, और जनवरी में हमेशा इनकी सेल्स बढ़ती है सारे मोटर कंपनी की, क्योंकि ये नया साल स्टार्ट होता है, तो गाड़ी को 2019 की गाड़ी माना जाता है, जो भी आप इस साल में खरीदते हो, चाहे जनवरी में खरीदते हो चाहे दिसंबर में, तो ज़्यादातर लोग जनवरी में खरीदते हैं, तो ताकि रीसेल के टाइम में वो गाड़ी आपकी 2019 की ही मानी जाए। अगर आप जनवरी में खरीदते हो तो भी 2019 की मानी जाती है,
और दिसंबर में खरीद, तो इसलिए जनवरी में जनवरी का सेल्स का डाटा हमेशा अच्छा आता है। ये रीजन मैं कम से कम 10 बार दे चुका हूँ। तो आज 1 फरवरी देखिए, अभी मार्केट में कुछ लंबा उछाल नहीं है, लेकिन ये दोनों स्टॉक देख लीजिए, मारुति हो रही है। मारुति कल 6500 के नीचे भी था और आज 6930, और ये आईचर कल 18800 था और आज 19790, देख रहे हैं आप लोग। तो ये पीजे है, एडवांस में सब कुछ बोल रहा था आपको, 1 फरवरी का वेट कर लीजिए बस। और ये 678 को लो मान रहा है अभी मार्केट, अभी तो अगर वो अपन माने मूल नक्षत्र वाला हिसाब तो वो राइट ही है। अगर 678 नहीं टूटता तो 11077 भी आना, 11077 इज पॉसिबल। थैंक्स अ लॉट।